तक सर पहुंचना बहुत मुश्किल है सर, इतना आसान तो नहीं है। बोलने के लिए सब बोल दे रहा है कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, बट इतना आसान नहीं है वहाँ तक पहुँचना। हमारे लिए तो ये है कि हम अगर फुल मार्क्स ले भी आए तो हमारे लिए इनसिक्योरिटी है कि हमको जल्दी मिले या ना मिले। सारे टीचर सभी ने PIL वगैरह सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है और न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। वो जब NTA से सवाल पूछेंगे तो उसका उनको जवाब देना पड़ेगा। सरल में नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये जो नीट का भी पूरा विवाद हुआ है इसको लेके मेरा जो मत है, ये पानी को मथने से घी नहीं बनता। घर का जो बहुत शरारती बच्चा होता है छोटा सा, उससे रात में फादर मैन टू मैन टॉक करते हैं, तो NTA जो है थोड़ा शरारती बच्चा, उसको सुप्रीम कोर्ट का ही आवाज़ समझ में आता है। जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था वो आफ्टर सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही किया था। और जितने भी यहाँ हमारे टीचर्स हैं, सारे टीचर सभी ने PIL वगैरह सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है और न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। वो जब NTA से सवाल पूछेंगे तो उसका उनको जवाब देना पड़ेगा। बाकी समस्या को बस ऐसे घुमा घुमा के पूछने से कोई उत्तर नहीं निकलता है। सर मेरा नाम शामिर है, मैं ड्रॉपर में हूँ अभी। मैं सोच के आया था कि सर जैसे हर साल कट ऑफ जाता है 640, 650, 620, 630 तक, इस साल वही कट ऑफ जा रहा है 660, 670 तक जा रहा है। तो हम 2025 में सर 670, 680 तक जाने का प्रोबेबिलिटी है, तो 720 पे जब टॉपर को मिलता है और हमें 680 पे मिलेगा तो 40-50 नंबर पे ये थोड़ी डिसाइड होगा सर कि किसको कौन सा कॉलेज मिलेगा। और हम लोग ये 680 तक सर पहुंचना बहुत मुश्किल है सर, इतना आसान तो नहीं है। बोलने के लिए सब बोल दे रहा है कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, बट इतना आसान नहीं है वहाँ तक पहुँचना। 3-4 साल लगता है वहाँ तक पहुँचने में सर। अभी मेरा सेकंड ड्रॉप है, अभी हम लोग और कितना ड्रॉप, अगर रीनीट होता भी है, री एवेल्यूशन होता भी है सर, तो ऐसा तो नहीं है कि हर किसी के साथ जस्टिस हो सकता है जो डिजर्विंग हो इस साल उनको सीट ना मिले, वो अगले साल कॉम्पिटिट करे, वो हम लोग से तो आगे होंगे सर, तो ऐसे तो हम लोग का नुकसान होगा ही और हमसे जो जूनियर है उनका भी होगा। तो इस साल मेरा नाम शुभम है, मैं नीट ड्रॉपर के लिए 2005 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। इस ईयर में जो नीट में स्कैम सामने आया है उसमें जिस बच्चे के 720 मार्क्स भी आ रहे हैं उसके अंदर भी इनसिक्योरिटी है कि मुझको एम्स दिल्ली मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमारे लिए तो अभी है कि हम अगर फुल मार्क्स ले भी आए तो हमारे लिए इनसिक्योरिटी है कि हमको एम्स दिल्ली मिले या ना मिले। अब जिस बच्चे के पहले आ रहे थे 625, एटलीस्ट उसको कॉलेज तो मिल जाता था, अब वही कॉलेज 650 के बाद भी मिलना थोड़ा मुश्किल है। अब NTA कुछ क्लियरेशन दे नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा कुछ आया नहीं है। हर बार कोई नई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बस पल्ला झाड़ देते हैं अपना, तो ऐसा नहीं है। मेरा नाम नंदन कुमार है और मेरा ये फर्स्ट जॉब है। इस बार मैं ये उम्मीद से आया था कि 640-650 प्लस मार्क्स लाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन अगली बार हो जाएगा, लेकिन इस बार कट ऑफ जा रहा है 630-640 के आसपास, तो मेरा तो ये उम्मीद मतलब टूट ही रहा है कि मैं अगली बार 640-650 स्कोर करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि अगली बार जो है कट ऑफ जा सकता है 680-690 उतना के आसपास जा सकता है। और वो जो इस बार जो है 720 में 67 बच्चे आए हैं, अगली बार हो सकता है ये बढ़ के 200 के आसपास चला जाए, तो अगली बार तो परमानेंट है कि जो 720 कर रहे हैं उनको एम्स दिल्ली ना ही मिलेगा। और तो हम लोग बस उम्मीद से ही एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं कि 670 के आसपास अब लाना है इसी